बिस्मिल्लाह सही सारे दोस्तों भी रामाकुम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करें सारे खैर खैरियत ना लोसो। दोस्तों व्लॉग शुरू करेंदे पे आज दा उसामा मेरे नाल है, हमजा दा छोटा भाई, और असा आज देंदे पे हैं खुरम गुजर साहब को डीएच है उन्हां दे घर, और बड़ा ज़बरदस्त व्लॉग आवन वाला है उन्हां दा, शेर वगैरह उन्हां दे कबूतर और उन्हां दे घर दा तुहाकू विजिट करवाएंगे और उन्हां दे नाल वांते गप शप भी लेंदे हैं। बस हुण असा इत्थों निकलदे पे हैं, सीधा पहुँचते पे हैं उन्हां दे घर। लो जी दोस्तों असा इत्थां पहुंच गए हैं मैं और उसामा खुरम गुजर साहब के घर। एक गुजर पैलेस है 7K पता नहीं क्या DH है, खैर हर जगह थे एड्रेस आप भी दसाते रहते हैं। असा इन्हां दे घर पहुंच गए हैं और हुण अंदर बैठे हैं। जी दोस्तों असा आ गए हैं खुरम गुजर साहब के घर, और ये देखो एंट्री के उत्ते ही जरा है शेर बैठा हुए, और ये इन्हां दे बड़ी नायाब नायाब नस्ल दे इन्हां कोल कबूतर हैं जी। ये देखो ये कबूतर हैं इन्हां कोल बड़ी ज़बरदस्त अकसाम दे। हुण ज़ाहिर है मेकू कोई एक्सपीरियंस तो कह नहीं है केरे केरी नस्ल दे हैं कबूतर, लेकिन बहरहाल बहुत महंगे महंगी नस्ल दे इन्हां ने एक कबूतर इत्थां रखे हुए हैं। खुरम गुजर साहब बस रेडी थींदे पेन वाल उन्हां दे नाल जरा है मुलाकात भी करेंदे हैं। और क्यों सामी आपको पता लगता है ये कौन कौन से हैं नस्लें? आपका तो काफी एक्सपीरियंस है वैसे चीजों का। दोस्तों ये देखो हूँ ये पता नहीं साकू के शेर नहीं है या शेर है, लेकिन चेक करो कैसा जबरदस्त है जनाब, कैसी दहशत है इनकी। जाहिर है इधर नेड़े तो मैं नहीं बन सकता, बस इतना दिखा सकता तो आपको। ये दोस्तों तोते वगैरह हैं इन्हां दे, और हुण असां बैठे पे हां थले बेसमेंट च। ये जनाब खुरम भाई दी बेसमेंट है, इत्थां इन्हां ने स्नूकर मेरी बड़ी फेवरेट गेम है तुहानूं पता है ये भी रखी हुई है, और ये स्विमिंग पूल अजकल जरा इन्हां दा खाली है, ये थले ही इन्हां दा स्विमिंग पूल भी है, और ये इन्हां दा दोस्तों यारां दी बैठक इन्हां दी इत्थे ही लगदी हुंदी है। काफ़ी इन्हां दा जिहड़ा डेरा यारी दोस्ती वाला है इत्थे काफ़ी लोग आंदे रहंदे हन और विजिट करेंदे हन इन्हां कोल। पानी वैसे कब कब अभी खाली किया वे खुद ही? अच्छा अच्छा जी दोस्तों असा हुण थले आते बह गए उन्हां दे ड्राइंग रूम च, और खुरम भाई भी बस आंदे पेन वल जर है उन्होंने नाल तुहाडी मुलाकात भी करवाने हैं। जी दोस्तों असा फिलहाल जरा लॉन च ही हाँ, और खुरम भाई आते पेन और अपने शेर को भी नाल खेनते आते पेन, और मेरे को तो बड़ा डर लगता पे उसामा का पता नहीं, उसामा तो थोड़ा जा कॉन्फिडेंट खड़ा हो, लेकिन जाहिर है जी जितना मर्जी उन्होंने साकू आख्या तो है कि कुछ भी नहीं फील, लेकिन साकू तो बहरहाल डर लगता पे। तो खुरम भाई जरा आते पेन शेर अपना खेनते, सामी आ जाए बैठे। लो जी दोस्तों शेर उन्हां दा आ गए उन्हां दे नाल ही। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, आपने हमें बुलाया अपने पास। मेरे भाइयों यार वैसे ही खुले हैं सबके लिए हमेशा, बहुत शुक्रिया आपका। आपको तो ज़ाहिर है डर नहीं लग रहा होगा, आपका तो अपना है, लेकिन हमें तो ज़ाहिर है यहाँ बैठे हुए भी डर लग रहा है कि खुला ही छोड़ दिया आपने। यार अपने से नहीं कुछ होता, अपने से डरना चाहिए
बेसिकली ये है कि सारा डर अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए रख देना, तो फिर वो मोहब्बत में शिफ्ट हो जाता है। तो जानवर खूब जानते हैं सामने वाले के दिल में शैतान के लिए मोहब्बत है या इंसान के लिए या उस खुदा के लिए जो इंसान का बनाया हुआ है। बस ये है कि उसको पता कि ये पॉजिटिव रूह है और ये इसलिए जानवर बहुत ज़्यादा समझते हैं। इनसे दोस्ती करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है। बाबू है, बाबू बाबू, अब देखो ना इसको छोड़ रहा है ना जी। अब ये इसका हक क्या बुनियादी ना जी। अगर इसको मैं ये अकोमोडेशन नहीं दे सकता और इसको ये नेचर के करीब नहीं रख सकता तो मुझे कोई हक नहीं है जानवर के साथ अपनी खुशियों को लेके और उनकी तजलील करना। कितना टाइम हो गया खुर्रम भाई ये आपके पास है और आपका इतना लगाव हो गया इसके साथ? इसको तो ज़्यादा नहीं हुआ, ये 17 मंथ का आया था, अभी 20 मंथ का, 21वें मंथ का होगा। अच्छा, 4 साल का यंग होगा, मुकम्मल वाइट एक एम ये ब्रीड है, वाइट ब्रीड ना। सो ये इसमें मेल है, पहले मेरे पास फीमेल थी जो मैंने साथ रखी थी, अभी वो फार्म हाउस पे है, ये मेल है और इससे मेरी 3 साढ़े 3 मंथ की 4 मंथ की दोस्ती होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि 15 मिनट में होगी इसकी मेरी दोस्ती, और किसी से नहीं है। और जो खाना खिलाता है उसके साथ भी इसकी काफ़ी मुश्किल सी ज़िंदगी गुजर रही है मेरे साथ ही। बड़ा मुश्किल सा शौक है और आपने बड़ी आसानी से किया हुआ है। और ज़ाहिर है एक डर तो चलो अलहदा, फिर भी ज़ाहिर है इसका ख्याल रखना, इसको इस माहौल में रखना, ये कोई आसान काम तो नहीं है जो आप कर रहे हैं। यकीनन जो मैंने ये यहाँ तक पहुँचा हूँ वो काम भी आसान नहीं होता ना। एक अपना इंसान को, अपने रिश्तों को, अपने दोस्तों को, अपने इन्वायरमेंट को खूबसूरत रखना, फिर ऐसी खूबसूरतियाँ ज़िंदगी में आपका खुद वेलकम करती हैं। और अपने माँ बाप को राज़ी करने वाला, ये जो समझते हमने राज़ी कर लिया, ऐसे कैसे हो सकता है? राज़ी कर लो तो दुनिया में आपकी ख्वाहिशें पूरी ना हो, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई बात हो रहा है। सो आपको अपने माँ बाप को बगैर नेमतों के मकसद सोच के राज़ी को करना होगा, बगैर जन्नत के सफ़र के, एक माँ बाप जान के उनके साथ शफकत करो। आपका तो आपकी वालदा के साथ जो है वो इश्क वाला सीन है, वो नहीं है कि एक तो होता है ठीक है सारों को अपने वालदैन से मोहब्बत होती है, लेकिन जो आपने करके दिखाया जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं और आपने कैसा इश्क किया उनके साथ, अल्लाह ताला उन्हें तरीके रहमत करे। असल में ना मैं तो ये खुश हूँ आपके इस सवाल से, बड़े आई थिंक सो ये फर्स्ट टाइम किसी ने मेरे साथ सवाल किया, और उसकी बुनियादी वजह मेरी 10 मिनट हुई आपसे मुलाकात हुई। यार ये बड़ा अच्छा सवाल किया, पता क्यों? ये आपने मेरी जॉब का सवाल कर दिया कि आपको मतलब पता होना चाहिए कि जो आप कर रहे हो क्या उसको कुछ समझ पाया कि नहीं। यार ये सोशल मीडिया ये तबाहगाह भी है और दरसगाह भी है ऐसे, और यहाँ पर पहले कुरान हकीम लोग खोल के उसको पढ़ते थे ना, और सवाब की शक्ल में मॉर्निंग के टाइम पर नमाज के बाद, आज इन्हीं टाइमिंग पे वो लोग फ़ोन करते हैं टीवी को और वो सुनना पसंद करते हैं, रेडियो की शक्ल में हो या देखने में और सुनने में हो टीवी की शक्ल में। लेकिन यार वहीं पर बैठ के अगर कोई वो दुनिया के वो गेटवेज हैं तरक्की के जो हम उनको शैतानों के हाथ दे दें, तो हम जैसे ईमान वालों का जो लोग जिनको तकलीफ़ हो उस गंदगी में जाने में, जिनको बहुत सारे क्वेश्चन को फेस करना पड़े, उसका स्टैंडर्ड ही ना हो उस माशरे में कि वो सोशल मीडिया पे वो एप्लीकेशंस जिनके एनवायरनमेंट में उसके नाम लेने वालों को इतना अच्छा ना सोचे, तो उसमें छलांग मारने वाले को क्या करें। तो ये लकब माँ ही था जिसके लिए मैंने वहाँ छलांग मारी, और लोगों को माँ का तकद्दस, उसका अल्लाह सुब्हानहू तआला का आप सल्लम ने बताया हुआ, उसके साथ जो मुख्तलम रिश्ता कायम करना है वो ही मैं बताने की कोशिश की। नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत है, अपनी माँ राजी हुई अब बाकी क्यों करूँगा? बस ये इसलिए कि ये जो अल्लाह के करीब बंदे होंगे वो अल्लाह के काम भी करेंगे, और जो माँ के करीब होगा वही अल्लाह के काम करेगा। तो वो ये ऐसे नहीं, ऐसे ही है। उसकी वजह उस नमाजी को हर 5 वक्त में हर एक नमाज से दूसरी नमाज वक्त के लिए उसे वजू दरकार है। वो मुंह पे छट्टे शर्मिंदगी के मारता है कि उस गंदगी को धो जो थोड़ी देर पहले तूने अपने चेहरे पे लपी थी, गीबत की शक्ल में या हसद की शक्ल में या उस नकल की शक्ल में जो तू चमकते हुए सितारे को देख के कोशिश कर रहा था। तो तूने कितने लोगों की चमक ली अपनी इस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए, और क्या तू वो चमक लेके आया? नहीं आया।
सो मैं आप सबको यही कहूंगा कि मैंने इस प्लेटफॉर्म को वो जो ज़कात की तरह इज्जत की ज़कात होती है ना, मशहूरी की ज़कात होती है, चीज़ों की ज़कात होती है, इसी तरह होता है कि आप लोग अपने अपने तकद्दस से उतर के आओ। अमीरजादे जो बहुत सारे वसाइल रखते हैं, यार शर्मिंदा हो जाओ, उसकी राह में अल्लाह और बुलंद उठाएगा। तो हम लोगों को अल्लाह के साथ हमदर्दी करनी चाहिए, बेहद ज़्यादा हमदर्दी करनी चाहिए, इसलिए कि हमने हमेशा अपने साथ की अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ भी, तो उनके साथ हमदर्दी यही है, माँ के साथ हमदर्दी करो इंशाल्लाह। दोस्तों ये तुम्हारे सामने और खुरम भाई का जरा है ना, ये मेहमान खाना है, ये इन्हों का घर भी है और इन्हों का मेहमान खाना भी, और ये नहीं के अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इधर मेरा ख्याल कोई भी आ जाए ना तो उसका जो है ना वो ये नहीं है कि उसको कोई रेफरेंस की ज़रूरत है या कोई और चीज़ की ज़रूरत है। आपने बस सेव रहना, ये इसका मेरे से तल्लुक है, ये याद रखिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो देख रहे ना वो खाना खिलाता बिल्कुल। बाबू आ जा, यहाँ आ जा, आप बैठेंगे भाई बैठने का हमारे अंदर हौसला नहीं ना, इस साइड पे आ जाए काइंडली प्लीज। सामने आप बैठो इधर, बाबू आ जा, बाबू ये आ जा मेरा बच्चा, बाबू है ए बाबू, बाबू यार बच्चा नहीं ये तो अच्छा है, तू तो जानवर है ना, तू तो समझदार है। बाबू 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 मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, क्या करता है अच्छा बच्चा ना, चल जाता है मेरे बेटा, क्या हुआ है क्या कह रहा है, ये जान के करता है ना तेरे से पंगे लेता है, आई नो वेरी वेल बच्चे क्या सामी प्ले ओए बकरा है तू ओए ओए बकरा कोई शेर हो के बकरा यार, बाबू आया बाबू आया वो खुरम भाई, क्या खुराक है इसकी, एक दिन में कितनी खुराक है क्या इसका, ये देख लें ये बड़ा कंप्रोमाइजिंग है, अच्छा फकीर के साथ है और वो पट्ठे भी खा रहा है शेर देखो क्या खा रहा है, वो खुद देख लें आप देख सकते हैं बिल्कुल, और ये मतलब के रईसादों का नहीं है ना, फकीर का है ये, हर जो मिलेगा खा लेगा बंदे के अलावा फिर ठीक है क्योंकि हर आमन है ये बाबू की भी आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी, ये उससे ज्यादा प्यार करता है, वो भी करती है लेकिन इसका जरा स्टाइल अनोखा ही है, ये तो मतलब के एक एक वर्ड समझता है, इसको पता है अभी आपकी तरफ आना है, ये आपके सब लोग इसके बालों से जानते हैं और इसका मतलब कि आपको चुकन्ना रहना चाहिए, इसका इधर ही बहुत प्यारा बच्चा है, स्कूल भी स्कूल जाएगा अरे अभी ये 21 माह का, कौन सी क्लास पढ़ती है ये 21वीं माह में, होपफुली लड़के को पता है आजा बाबू आजा 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 क्या कहते हैं आजा 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 दोस्तों इन्हों का तो पता नहीं किमें डर निकलिया हो, जाहिर है जितना मर्जी हो गए, खैर जाहिर है एक चीज़ उन्होंने कोल है और वो जाहिर है उनका बड़ा ख्याल रखेंगे, बड़ा प्यार करेंगे उनके नाल, तो उन्होंने वास्ते कोई डर कह नहीं, असा तो नाल बैठे हुए भी डरते पे असें क्यों सामी अपना तो त्राह निकला ही हुआ कसम से इसका, ये ना वाकई मैंने इसकी ओए देखा, हालांकि तू उसके करीब रहता है ऐसे कुछ बिल्कुल, मैंने इधर देखा इसलिए उस साइड पे देखने लग गया,
गेम कर रहा था इधर आ। और बल्कि तुसन डिठा उसे जीशान रोखड़ी साहब का एक गाना बड़ा मशहूर है, अभी मेरे जहन से सामने निकल गया, वो भी जो है इधर ही वो शूट हुआ है नीचे, इधर ही उन्होंने जो है वो पूरी उसकी वीडियो हुई भी है। ये दोस्तों इन्हों की एक तस्वीर है, ये किल लगे हुए हैं और किलों के नाल जो है एक वो उन्होंने जिन्हें भी बनाई है बड़ी मेहनत के नाल बनाई हुई है। लो जी दोस्तों असं जरा हूँ इतों फ्री थी तो वापस निकलते पे हैं दफ्तर वास्ते मैं और उसामा, और व्लॉग जरा एक बड़ा ज़बरदस्त भी बन गया और काफ़ी लंबा भी थी गए। तो नैक्सट व्लॉग थोड़े नाल वाल कल शेयर करे सो, अपना ढेर सारा ख्याल रखे सो, वसेब दे लोगों का ख्याल रखे सो, अल्लाह हाफिज़।